अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आप देख रहे हैं किचन विद अलीशा यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहा है पोटैटो गार्लिक वेजिस, जो कि बहुत इजी और बहुत ही क्रिस्पी से और बहुत ही मज़े के बनते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू और इसे छील लिया है और इसे अब कट करेंगे वेजिस के शेप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी में। एक आलू लेंगे, इसे सेंटर से कट करेंगे। सेंटर से कट करने के बाद अब इस तरह से कट करेंगे। इस तरह से हम वेजिस की शेप में कट कर लेंगे और सारे इसी तरह से कट करते जाएंगे। कट करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे जब तक पानी साफ नहीं हो जाता। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें पानी ऐड करेंगे और बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम वेजिस जो हमने कट किए हैं और इसे 50% हमने कुक करना है, 100% नहीं करना, 50% हमें इसे बॉयल करना है, 50% हमने इसे बॉयल कर लिया है। अब वेजिस को फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हम एक बैटर रेडी करेंगे। बैटर के लिए मैंने लिया है 1/4 कप फ्लोर, ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हसबे ज़रूरत और पानी 1/3 कप। एक बाउल लेंगे, इसमें ऐड करेंगे फ्लोर, ओरिगेनो, पेपरिका पाउडर और नमक और इसे मिक्स कर लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और एक बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर हमारा रेडी हो चुका है, ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से रखनी है। अब इसमें ऐड कर देंगे वेजिस जो हमने बॉयल किए हैं और इसे मिक्स कर लेंगे। पैन लेंगे और इसमें ऑयल ऐड करेंगे और गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसे फ्राई करना है। जैसे जैसे होती जाएंगे हम डिश आउट करते जाएंगे। वेजिस को गार्लिक बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून बटर, लहसुन 1 टीस्पून, 3 जवे लिए मैंने और इसे क्रश कर लिया, 2 टेबलस्पून धनिया, कूटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून। एक पैन लेंगे, उसमें ऐड करेंगे बटर, बटर में हम ऐड कर देंगे लहसुन चॉप किया हुआ और इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और ज़ीरा, याद रहे कि फ्लेम हमने लो ही रखना है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे हम वेजिस जो हमने फ्राई किए थे और इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। रेडी है बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही मज़े के पोटैटो गार्लिक वेजिस। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।